हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर कार्टून वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक लकड़हारा है जो कि यहाँ पर जंगल में एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर वॉक कर रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके का आप कार्टून वीडियो किस तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप किस तरीके से यहाँ पर काइनेमास्टर मोबाइल एप्लीकेशन से यहाँ पर ये बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लकड़हारा है या फिर जो भी बंदा है वो एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, वॉकिंग मैन चाहिए, ठीक है, एक कार्टून चाहिए, दूसरा ये जंगल का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोग कहां से मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहां पर यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है वॉकिंग ग्रीन स्क्रीन वीडियो, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग यूज करेंगे इसी ग्रीन स्क्रीन वीडियो का, लेकिन अगर आप यहां पर बनाना चाहते हैं करेक्टर को ही, जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि ये मॉडल है वॉक करके आ रही है, यहां पर देख सकते हैं कि ये जो लकड़ा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, अगर आप इस लकड़हारा का जो कार्टून है उसको ही बनाना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल बम्पर सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर मैं जो अपकमिंग वीडियो है उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा, यहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको क्या करना है कि यहां पर आपको थ्री पॉइंट देंगे, उस पर क्लिक कर देना है, यहां पर शेयर पर क्लिक करना है, यहां पर जो इस वीडियो का लिंक है उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहां पर किसी भी ब्राउजर पर जाइएगा और यहां पर आपको सर्च करना है यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर। तो जैसे कि मैंने यहां पर सर्च कर लिया है यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, ठीक है, तो मैंने यहां पर सर्च कर लेता हूं। तो मैंने यहां पर सर्च कर लिया है, तो यहां पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगे, जैसे कि एक ये दिया हुआ है savefrom.net, ठीक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको URL जो अभी आपने कॉपी किया था URL उसको यहां पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। तो मैंने पेस्ट कर दिया है, तो वो उस वीडियो को आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, तो यहां पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहां पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया, तो डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहां पर डाउनलोड कर लिया है। दूसरा हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, सीधा आप यहां पर क्रोम ब्राउजर पर जाइए या किसी भी ब्राउजर पर जा सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि सर्च कीजिएगा कार्टून यहां पर जंगल बैकग्राउंड, ठीक है, तो BSC के बैकग्राउंड यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा HD में। तो यहाँ पर आपको कार्टून के जंगल के बैकग्राउंड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे दिए हुए हैं, तो वो वाले आपको जो भी आपको अच्छा लगता है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन याद रखना है कि हमको वो वाले बैकग्राउंड डाउनलोड नहीं करना है जिसमें कोई लोगो दिया हो या फिर वाटरमार्क दिया हो, ठीक है, विदाउट वाटरमार्क विदाउट लोगो का हमको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन है इमेज सर्च मैन, ठीक है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये मोबाइल एप्लीकेशन, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर सर्च किया है कार्टून जंगल बैकग्राउंड, तो यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं, तो ये आ चुका है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे कॉपीराइट फ्री होते हैं, कोई भी कॉपीराइट आपको नहीं आएगा। तो जो भी आपको जंगल का बैकग्राउंड अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि ये जंगल का बैकग्राउंड यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये दोनों चीज़ें आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पहला तो ये जंगल का बैकग्राउंड, दूसरा वॉकिंग मैन, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने दोनों डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि काइनेमास्टर मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, जो कि वीडियो एडिटर टूल है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे कि आपको नाम दे देना है, ठीक है, वॉकिंग कार्टून, ठीक है, तो जैसे कि मैं इसका नाम देता हूँ वॉकिंग कार्टून, और यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके रिगार्डिंग आप बना रहे हैं वीडियो, और क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर वीडियो बनाना है। सबसे पहले आप बैकग्राउंड ले लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ, ठीक है। जितना भी इस पर एक्सपांड करना है, जितना भी आपका बैकग्राउंड लेना है उतना आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, लेयर पर आप क्लिक कीजिएगा, लेयर पर क्लिक करेंगे तो मीडिया का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको वो वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जो वीडियो चलता हुआ लकड़हारे का था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वीडियो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो ग्रीन स्क्रीन वीडियो है इसका मैं जो आवाज़ है वो जीरो कर लेता हूँ, म्यूट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है जो कि लकड़हारा यहाँ पर चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड क्या है, ग्रीन स्क्रीन है। तो हमको जो बैकग्राउंड है ग्रीन स्क्रीन उसको रिमूव करना है, तभी वो रियल लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पर क्रोमा की पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर इनेबल कर दीजिएगा। इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो बैकग्राउंड है जो ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो ये अभी अच्छे से रिमूव हो चुका है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आप सेटिंग करेंगे तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर सेटिंग करके कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये कर लिया अच्छे से, ठीक है। तो इसको आप बड़ा कर लीजिएगा जितना भी आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने कर लिया है, ठीक है, इतना मैंने कर लिया है। अब इसको हम चलो प्ले करके देख लेते हैं।
तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लकड़ा रहा है एक जगह से चल रहा है और ये दूसरी जगह पर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बना सकते हैं, जितना भी आप बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर बना सकते हैं। इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो पर आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसकी स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, अब चलिए हम लोग फिर से प्ले करके देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लकड़हारा की स्पीड है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ चुकी है। इसी तरीके से इसकी स्लो करना चाहते हैं स्पीड या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इतना कर दिया है, तो इसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी आप बनाना चाहते हो उतना बना सकते हैं। जैसे कि अब मैंने इतना बना दिया है, राइट पर क्लिक कर दूंगा और इसको भी मैं राइट पर क्लिक कर दूंगा। सो आप यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हमको यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक देना है या फिर इसका कुछ भी यहाँ पर वॉइस ओवर करना है तो यह आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में कई बार बताया हुआ है, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वॉइस ओवर देना है तो इस पर रिकॉर्ड पर आप क्लिक कीजिएगा, और रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे फिर उसको रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो जो भी आप बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर वो बैकग्राउंड में आ जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो यहाँ ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आपको जो भी आपके मोबाइल में सॉन्ग होंगे या फिर साउंड्स होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये वीडियो बनके तैयार हो चुका है। ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्लिप हम लोगों ने बना लिया है KineMaster मोबाइल एप्लीकेशन से। इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरा वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट 3 मिनट का 4 मिनट का जो वीडियो होता है उस तरह को हम बना सकते हैं। छोटी छोटी क्लिप को हम बना लेंगे पहले, फिर उसको मर्ज कर देंगे तो हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मोबाइल से ही पूरा वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि जो हमारा वीडियो है वो बन चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने इंट्रो में देखा था वैसे ही वीडियो हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपको क्लिप बना के बताया हुआ है, इसी तरीके से आप कंप्लीट वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे बम्पर सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से कार्टून वीडियो बना सकते हैं, आपको स्टोरी कहाँ से मिलेगी, करेक्टर आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखिएगा बहुत सारा ध्यान। थैंक यू।